वो मेरे बीच नहीं आए, वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं? उनकी सुबह और शामों का, उनकी सुबह और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं? मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। खय्याम साहब का ये एवरग्रीन सॉन्ग मानो उन्हीं की जिंदगी का आईना बन गया। पल दो पल का शायर झटके में दुनिया से रुखसत हो गया, सिर्फ यादों में बच गया और उन गानों में हमेशा के लिए अमर हो गया, जिन गानों का जादू पीढ़ियों की सरहद लांघ कर लोगों की मुरीद बना देता है। नमस्कार, R9 TV देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। सच्चाई तो ये है कि हिंदी फिल्मों में संगीतकार संजीवनी की तरह आए, इंडियन सिनेमा में कुछ संगीतकार ऐसे आए जो खुद संगीत का खजाना थे। मशहूर खय्याम साहब जो ऐसे संगीतकार थे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है इन आंखों की मस्ती के आप जिक्र कर लीजिए या कोई भी गाना हो, लिस्ट छोटी पड़ जाएगी। खय्याम साहब ने जितने हिट नंबर्स दिए उनकी मिसाल बॉलीवुड में कम ही मिलेगी। ये कुछ ऐसे गाने हैं जिन्हें क्या आप कभी भूल सकते? इनका जादू ही कुछ ऐसा था, है और रहेगा जो खय्याम को खय्याम बनाता है। इंडियन सिनेमा का वो अनमोल सितारा जिसके ना होने पर संगीत की दुनिया में सन्नाटा है, मातम है, सुर थम गए हैं। खय्याम का जन्म 18 फरवरी 1927 को पंजाब के नवा शहर के राहों में हुआ था। शायरी और संगीत की घूंटी बचपन से मिली। खय्याम ने संगीत की शुरुआती तालीम उस दौर के मशहूर संगीतकार पंडित हुस्नलाल भगतराम और पंडित अमरनाथ से हासिल की थी। खय्याम ने अपने शानदार संगीत की बदौलत 4 दशक के करियर में पद्म भूषण, फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड समेत कई अवार्ड अपने नाम किए। खय्याम साहब की जिंदगी संगीत का एक ऐसा सफरनामा है जिसकी शुरुआत तब हुई जिस साल भारत आजाद हुआ था। कम लोगों को पता होगा कि तब खय्याम शर्मा जी के नाम से जाने जाते थे। तभी उन्हें हीर रांझा में काम करने का मौका मिला। 1958 में रिलीज हुई फिल्म फिर सुबह होगी से खय्याम को पहचान मिली। 70 के दशक में खय्याम की सबसे यादगार कंपोजिशन आई यश चोपड़ा के साथ, जिनकी शुरुआत हुई 1976 में कभी कभी से। मुद्दतें गुजर गई लेकिन कभी कभी के गाने का जादू आज भी बरकरार है।
वो खूबसूरती, वो मिठास बयान करने के लिए लफ्ज भी कम पड़ जाएंगे। 80 के दशक में खयाम साहब ने कई बेहतरीन गाने दिए। खयाम साहब के पूरे करियर को सफर के लिहाज से देखें तो उमराव जान एक ऐसी फिल्म थी जिसे बेशक माइलस्टोन कह सकते हैं। जरा सोचिए, अगर खयाम नहीं होते तो क्या रेखा की एक्टिंग का वो जादू पर्दे पर जिंदा होता, सोचना भी नामुमकिन है। उमराव जान के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया। संगीत की अगर सल्तनत होती तो बादशाह खयाम होते, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। ये खूबसूरत गाना आज भी लाखों लोगों के लफ्जों में शुमार है। ये गाना अमिताभ बच्चन और राखी की फिल्म कभी कभी का है। मूड के हिसाब से धुनों को कैसे पिरोए, इसे खयाम साहब से बेहतर भला कौन जान सकता था। सुरों के इस सफर में लता की आवाज मानो खयाम के धुनों के लिए ही बनी थी। रजिया सुल्तान का वो गाना याद कीजिए, दर्द और तन्हाई का एहसास लिए वो धुन सिर्फ खयाम ही रच सकते थे। खयाम के संगीत में दर्द है, प्यार है, बेवफाई है, हर मूड के हजार सेट्स हैं, और इन सब को मिलाकर जो म्यूजिकल जादू क्रिएट होता है उसी का नाम था खयाम। अलविदा खयाम साहब, आप हमें बहुत याद आएंगे।